नमस्कार, स्वागत है आपका खबर पंचायत में। मैं हूं अनुजा और चलिए अब रुख करते हैं गांव ढाणी की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने शेखावाटी के सबसे बड़े धार्मिक स्थल बाबा श्याम के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश और परिवार के लिए बाबा श्याम से पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बाबा श्याम के दरबार में मंगला आरती के समय पूजा अर्चना की। वहीं दिनेश शर्मा के साथ शाम कमेटी के मंत्री प्रताप सिंह चौहान सहित कमेटी परिवार के लोग साथ थे। दिनेश शर्मा शाम को जयपुर भी आएंगे। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने जमवा रामगढ़ में हुई सीताराम गुर्जर की हत्या का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महज 24 घंटे में ही वारदात का खुलासा कर दिया। एसपी ग्रामीण ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पैसों के लेन देन को लेकर पिछले दिनों से विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर आरोपी पुराण और शिवराज ने अपने साथियों के साथ मिलकर सीताराम की हत्या कर दी। वहीं पुलिस अब आरोपियों की निशानदेही पर अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। गैंगस्टर आनंद पाल और लेडी डॉन अनुराधा की पैरवी करने वाले वकील एपी सिंह को डीडवाना में जान से मारने की धमकी मिली। यह धमकी एपी सिंह को उस समय मिली जब वे इंद्रचंद अपहरण मामले में आरोपी अनुराधा और आनंद पाल सिंह के गुर्गों की कोर्ट में पैरवी करने आए थे। इसी दौरान उन्हें कोर्ट में एक युवक धमकी लिखी एक पर्ची देकर चला गया। वहीं एपी सिंह ने अतिरिक्त जिला जज और पुलिस के पास इसकी शिकायत की और सुरक्षा की मांग की। धौलपुर के बाड़ी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 11B पर एक कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी, जिससे कार में सवार दो महिलाओं सहित 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस द्वारा सामान्य अस्पताल बाड़ी में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने सभी को गंभीर हालत के चलते धौलपुर रेफर किया है। जानकारी के अनुसार आगरा निवासी सुरेश चंद अपनी पत्नी बेटी और दो बेटों सहित करौली मां केला देवी के दर्शन कर लौट रहे थे, तभी बाड़ी कस्बे के कसौटी खेड़ा मोड़ के पास उनकी कार अनियंत्रित हो गई और हादसा हो गया। वही घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। बाड़ी थाना पुलिस ने पीड़ित परिवार को इसकी सूचना दे दी है। झुंझुनू के सिंघाना थानाधिकारी अशोक चौधरी के नेतृत्व में पुलिस दल ने अवैध अतिक्रमण को हटाकर रास्तों को साफ करवाया। थानाधिकारी ने बताया कि 3 दिन पहले हमने मेन बाजार से अतिक्रमण हटाते समय सभी दुकानदारों को आगाह कर दिया था कि दुकानों के आगे बने नाले से आगे सामान रखकर रास्ता ना रोके, इससे आमजन व राहगीर बेवजह परेशान होते हैं। कई बार तो इनकी वजह से मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस भी जाम में फंसी नजर आती है। वहीं सब्जी मंडी के पास कई बार हादसे भी हो चुके हैं। वहीं पुलिस बल के साथ थाना अधिकारी ने कार्यवाही करते हुए दुकानों के आगे सड़क तक रखे सामान को जब्त कर थाने पहुंचा दिया, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ क्षेत्र में चिटफंड कंपनियां किसानों को प्रचार प्रसार कर लॉटरी में बड़े बड़े इनाम देने के वादे कर फंसा रही है। इनाम देने के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। किसी को इनाम दिया जाता है और सीधे साधे किसी व्यक्ति को इनाम निकलने के बावजूद वहां से भगा दिया जाता है। वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस उप अधीक्षक व उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसमें बताया कि वह भी चिटफंड कंपनी का शिकार हो गए हैं। वहीं प्रशासन व पुलिस ने आंखें बंद कर रखी है और क्षेत्र में इन चिटफंड कंपनियों की वजह से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कोटा के रामगंज मंडी सुकेत थाने के साताल खेड़ी कस्बे में 22 वर्षीय युवक ने अपने ही घर टीवी के तार का फंदा बनाकर उससे लटक कर जान दे दी। सूचना मिलने पर साताल खेड़ी पुलिस चौकी से पहुंची पुलिस ने शव को उतरवाया व सुकेत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के मुताबिक युवक कमल बैरवा कोटा स्टोन की खदान में कार्य करता था। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ, पुलिस जांच में जुटी है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मुख्यमंत्री राज्य के स्मार्ट राजस्थान प्रोजेक्ट के तहत स्वायत्त शासन विभाग द्वारा स्मार्ट राज प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने बताया कि स्मार्ट राज प्रोजेक्ट के तहत एकल राज्य स्तरीय सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि उक्त प्रोजेक्ट के माध्यम से राज्य के नगरीय निकायों के रहवासियों के विभिन्न कार्य पारदर्शिता के साथ आसानी से संपादित होंगे। इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नगरीय निकाय क्षेत्र की संपत्तियों का सर्वे किए जाने के साथ ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, भवन स्वीकृति, ऑनलाइन कैश कलेक्शन कार्यों का समावेश होगा। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन शाखा के चुनाव में भूमि शाखा के लिपिक गोपाल गुर्जर को अध्यक्ष एवं स्टोर के प्रभारी अब्दुल वहीद को महामंत्री पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया। पालिका में नगर पालिका
कार्यालयीन कर्मचारियों की बैठक राजस्थान नगरपालिका फेडरेशन जयपुर के संरक्षक रीछपाल सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें निम्बाहेड़ा शाखा के चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। चित्तौड़गढ़ के राजमी में बालाजी की उपासना का प्रमुख पर्व हनुमान जयंती श्रद्धा व उत्साह से मनाया गया। हिंदूवादी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल तथा सामाजिक संगठनों के द्वारा भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस में सुरेश सुवालका, मुकेश पायक, शंकर वसीटा, मुकेश पुरी, सुरेश मामा, रेखा व्यास, प्यारे लाल सेन, लालू राम कीर, रतन लाल कीर, कैलाश कीर, प्रहलाद लक्षकार आदि गणमान्य लोगों की उपस्थिति में शोभा यात्रा निकाली गई। नागौर के लाडनू में मुस्लिम समाज के लोगों ने गौरक्षा के नाम पर की गई हत्या करने वाले आरोपियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए शांति और सद्भावना रैली निकाली। और उपखंड अधिकारी मुरली लाल शर्मा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि अलवर जिले के एक बूढ़ा किसान पहलू खां, जो कि एक गौ सेवक है, जबकि गौरक्षा के नाम पर लोगों ने सड़क पर सभी लोगों के सामने उसे पीट पीट कर मार डाला। बाड़मेर के कल्याणपुर क्षेत्र के परालिया स्थित बालाजी मंदिर में भंडारा एवं छत्री महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें चौहटन महंत जगदीश पुरी ने बताया कि संसार में माता पिता व गुरु वंदनीय है। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, राजस्व मंत्री अमलाराम चौधरी, सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी, पूर्व विधायक मदन प्रजापत कल्याणपुर, प्रधान हरि सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थिति देकर भगवान से खुशहाली की कामना की। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा हनुमान जयंती पर क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। आगुचा, लांबा सहित कई गांवों में बजरंगबली मंदिरों में भजन संध्याओं व सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में यूडीएच मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से उपज मंडी में किसानों की जींस का समय पर तोल को लेकर निर्णय लिए गए। उन्होंने उदयपुर संभाग के क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक से मंडी की व्यवस्थाओं पर सतत निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए। बैठक के दौरान सभी पक्षों की बात सुनने के बाद निर्णय लिए गए। वहीं बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्लेटफार्म को किसानों के हित में खाली कराया जाए तथा व्यापारियों की मांग पर मंडी में स्थित ग्रामीण गोदामों को किराए पर देने की कार्रवाई अमल में लाई जाए। नागौर के मेड़ता सिटी में महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर माली समाज के युवाओं ने पौधरोपण किया। विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, जिसमें युवाओं ने मुक्तिधाम मुकाम में सफाई की, पेड़ों को पानी पिलाया, पंछियों के लिए परिंदे लगाए। वहीं ताराचंद मारोठिया, कारूराम, दिनेश मवार, ताराचंद कच्छावा सहित अनेक युवाओं ने भाग लिया। जयपुर के बगरू में श्री जुगल दरबार मेला समिति के तत्वाधान में हर वर्ष चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा को लगने वाला श्री जुगल दरबार का 3 दिवसीय मेला शुभारंभ हुआ। श्री जुगल दरबार की शोभा यात्रा गाजे बाजे शाही लवाजमे के साथ प्रारंभ हुई। मेले में मेलार्थियों के मनोरंजन के लिए लगे हुए झूले, चक्री, नाव सहित पटवों की दुकानें मेले का विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मेले में मेलार्थियों की सुरक्षा की विशेष तैयारी के साथ मेला समिति द्वारा पूरे मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरे तो लगाए ही जाते हैं, साथ ही स्थानीय पुलिसकर्मियों के साथ रिजर्व पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं मेला परिसर में 3 दिन तक आयुर्वेद विभाग के चिकित्सकों, ग्लोबल हॉस्पिटल, सोनी हॉस्पिटल, विशाखा संस्थान की विशेष टीम अपनी सेवाएं दे रही है। बाड़मेर के कल्याणपुर सेवालय क्षेत्र के हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जयंती पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर बालाजी के दर्शन किए और प्रसाद का भोग लगाया। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में पिछले काफी दिनों से सोजती गेट पर असामाजिक तत्वों द्वारा रोडवेज बस स्टैंड के आसपास खुलेआम धड़ल्ले से देर रात तक अवैध शराब बेची जा रही है, जिससे रोडवेज यात्रियों व आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुलिस की सतर्कता के बावजूद भी लगाम नहीं लग पा रही है। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। पाली के मारवाड़ जंक्शन जोजावर गांव में पाटी बालाजी में भव्य भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। भक्ति में मुकेश नायक एवं ओम वैष्णव ने अपनी प्रस्तुति दी।
इस मौके पर पूर्व जिला प्रमुख खुशवीर सिंह जोजावर ने कहा कि गाय को लेकर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, गौ की सेवा करके ही पूर्णतया पाया जा सकता है। पाली के मारवाड़ जंक्शन कारोलिया गांव प्रेमानंद आश्रम के बाबा रामदेव मंदिर में भव्य रात्रि जागरण एवं मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंदिर को रंगारंग रोशनी से सजाया गया। वहीं संत पानीबाई ने कहा कि भक्ति करने से हर रोग का निदान संभव है। उन्होंने पशु एवं मानव सेवा को सर्वोपरि बताया। भीलवाड़ा के जहाजपुर बस स्टैंड पर एक युवक के साथ मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी समुदाय के लोगों को होते ही अस्पताल में भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई, वहीं पुलिस भी मुस्तैद हो गई। घटना के बाद हनुमान जयंती की भजन संध्या को देखते हुए प्रमुख स्थानों पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू की। वहीं घटना के आरोपी महेंद्र कीर को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। अन्य आरोपी घटना के बाद फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। चित्तौड़गढ़ के कपासन क्षेत्र में हनुमान जयंती पर धार्मिक व आध्यात्मिक आयोजन में नगर में भव्य अखाड़ा जुलूस व शोभायात्रा निकाली गई। वहीं सभी मंदिरों में अन्नकूट वितरण व भजन संध्या का आयोजन किया गया। युवाओं द्वारा नगर में अखाड़ा निकाल आकर्षक व हैरत अंगेज प्रदर्शन किए गए। वहीं वानर सेना की भी अद्भुत झांकी बनाई गई। वहीं नगर के बस स्टैंड पर महर्षि च्वेवन गौड़ समाज व कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अखाड़े का स्वागत किया गया। नागौर के लाडनू सहरिया बास मोहल्ले गुवाड़ में मित्र सर्विस के तत्वाधान में निःशुल्क कैंप लगाया गया, जिसमें नगरवासियों ने निःशुल्क कैंप का लुत्फ लिया। जिसमें राशन कार्ड संशोधन के लिए 60 फॉर्म हुए, वहीं नए राशन कार्ड के 21 फॉर्म आए। चित्तौड़गढ़ के आकोला क्षेत्र के करूकड़ा गांव में दुग्ध डेयरी पर दुग्ध उत्पादन समिति में बोनस दर अंतर लाभान वितरण कर स्टील की केटली वितरण किया गया। इस मौके पर करूकड़ा में दूध उत्पादन समिति में बोनस वितरण समारोह रखा गया, जिसमें समारोह के मुख्य अतिथि डेयरी चेयरमैन बंदीलाल जाट, विधायक अर्जुन लाल जिनगर, प्रधान सोहनलाल भील सहित ग्रामीण उपस्थित थे। चित्तौड़गढ़ के आकोला में पीपा दर्जी समाज के आराध्य संत शिरोमणि पीपा दर्जी महाराज की 694वीं जयंती महोत्सव का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पीपा समाज के लोग युवा नारे लगाते हुए चल रहे थे, साथ ही सभा समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर युवा अध्यक्ष देवीलाल दर्जी ने सभा में पीपा जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला। भीलवाड़ा के जहाजपुर पंचायत समिति के रावतखेड़ा पंचायत के गांव छाबड़िया बरडा में खेत पर लग रहे एक बबूल को काटने के विवाद को लेकर दो परिवारों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दो महिलाएं व तीन पुरुष घायल हो गए। घायलों में एक गर्भवती महिला भी शामिल है। घायलों का स्थानीय चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। बाड़मेर के बालोतरा बिठूजा में जल दोहन रुकवाने को लेकर बिठूजा के ग्रामीण लामबंद हो गए और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। चित्तौड़गढ़ के आकोला में हनुमान जयंती पर कस्बे में सजे धजे बालाजी के मंदिरों में भक्तों के सैलाब उमड़ पड़े। इस दौरान कस्बा के विभिन्न हनुमान मंदिरों में सुंदरकांड हनुमान चालीसा के पाठ हुए। भरतपुर के वैर में विभिन्न मंदिरों पर हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। सिद्ध हनुमान धाम के जयरातम ट्रस्ट के तत्वाधान में हनुमान जी की आकर्षक शोभायात्रा निकाली गई। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में मंदिर में धूमधाम से श्री बालाजी जन्मोत्सव मनाया गया। जन्मोत्सव को लेकर मंदिर में भव्य सजावट की गई। श्री बालाजी महाराज को 2.25 मन पंचामृत से अभिषेक कराया गया और 5 विद्वान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार किया तथा सोने का चोला चढ़ाया गया। सिरोही के रेवदर में जीरावल में हनुमान जयंती को लेकर बजरंग दल की ओर से शोभायात्रा निकाली गई। राम भक्त हनुमान की जयंती पर महाबली के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। वहीं केसरिया रंग में भक्त रंग गए और शोभायात्रा में भक्तों की भीड़ उमड़ी। शोभायात्रा पर जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। जालौर के चीतलवाना में सेसावा गांव में एक घर में आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान और नकदी जलकर राख हो गए। ग्रामीणों के अनुसार दमकल की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। अजमेर के पिंसागन में हनुमान जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान हनुमान मंदिर में सुंदरकांड के बाद गाजे बाजे के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली गई। वहीं जगह जगह पुष्प वर्षा कर जयकारों संग जोरदार स्वागत किया गया। हनुमान मंदिर में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। अजमेर के रूपनगढ़ में हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर झांकियां निकाली गई। इससे पहले कस्बे के चौगान्या बालाजी के मंदिर को अभूतपूर्व सजाया गया। रात को सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा सहित कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और जन्म आरती कर प्रसाद वितरण किया गया।
चूरू के रतनगढ़ में करोना संस्थान के एकलव्य कॉलेज में विद्यालय प्रिंसिपल के खिलाफ संस्थान सदस्य राजेंद्र सिंह ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। सदस्य ने कॉलेज के हिसाब में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। धौलपुर के राजाखेड़ा में सरकारी हैंडपंपों पर दबंगों का कब्जा चल रहा है। ये अंधाधुंध जल दोहन कर रहे हैं और प्रशासन द्वारा दबंगों पर कोई एक्शन नहीं लेने से किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही है। धौलपुर में बाड़ी में NH-11B पर कांसोटी खेड़ा मोड़ के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी, जिससे कार में सवार दो महिलाओं सहित 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को 108 की मदद से सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां से चिकित्सकों ने गंभीर हालत के चलते धौलपुर रेफर किया। करौली के नादोती में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कथित मिली भगत के चलते गंगापुर मार्ग पर सड़क निर्माण में बरती जा रही अनियमितता के विरोध में दलित आदिवासी एकता मंच के अध्यक्ष के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। अजमेर के विजयनगर में हनुमान मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में भव्य ज्योति जुलूस हनुमान मंदिर रेलवे स्टेशन से निकाला गया। भव्य झांकियों के शानदार भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत किए। अजमेर के मसूदा में राष्ट्रीय खो खो संघ के उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं उद्घाटन किया। पलाड़ा ने इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार एवं स्थानीय विधायक क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। चित्तौड़गढ़ के आकोला में बजरंग दल की ओर से संगेसरा गांव में बाहर रैली निकाली गई। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर प्रतिमा को नया वागा धारण कराया गया। इस अवसर पर हनुमान चालीसा पाठ करने का संकल्प लिया गया और सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन हुआ। पाली के मारवाड़ जंक्शन में गोदावास बायोसा धाम पर भव्य भक्ति का आयोजन किया गया। इस मौके पर आशा वैष्णव एंड पार्टी ने प्रस्तुति दी। वहीं आयोजक प्रताप राम गोयल ने कहा कि मां का स्थान दुनिया में सबसे निराला एवं अलग है, मां हर दुख की दवा है। इस मौके पर भाजपा नेता कन्हैया लाल ओझा, चंद्र प्रकाश गोयल सहित कई जन उपस्थित रहे। पाली के मारवाड़ जंक्शन में जोजावर गांव में पाटी बालाजी में भव्य भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। भक्ति में मुकेश नायक एवं ओम वैष्णव ने अपनी प्रस्तुति दी। इस मौके पर पूर्व जिला प्रमुख खुशवीर सिंह जोजावर ने कहा कि गाय को लेकर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, गौ की सेवा करके ही पुण्यात पाया जा सकता है। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में हनुमान जी की जयंती पर रावतभाटा एवं आसपास के क्षेत्रों में हनुमान मंदिरों पर श्रद्धालु उमड़े और जय हनुमान ज्ञानगुण सागर के जयकारे लगाए। इसके अलावा हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई, साथ ही महाआरती के बाद 51 किलो के रोट का भोग लगाया गया। संगीत में सुंदरकांड का भी पाठ कराया गया। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में विश्व हिंदू परिषद द्वारा हनुमान जन्मोत्सव पर विशाल पथ संचलन निकाला गया। जुलूस में भारी संख्या में भगवा वस्त्र व ध्वज धारण किए हुए बजरंगी जय श्री राम के नारे लगाते हुए चल रहे थे। पूरे शहर में निकले विशाल पथ संचलन का शहर में विभिन्न संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा से जगह जगह स्वागत किया गया। सभा में मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता स्वामी श्री 1008 श्री रामदयाल जी महाराज थे। पाली के मारवाड़ जंक्शन में कारोलिया गांव में बाबा रामदेव मंदिर में भव्य रात्रि जागरण एवं मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंदिर को रंगारंग रोशनी से सजाया गया और हजारों की तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं संत पानीबाई ने कहा कि भक्ति करने से हर रोग का निदान संभव है। उन्होंने पशु एवं मानव सेवा को सर्वोपरि बताया। भीलवाड़ा के बनेड़ा में उपखंड मुख्यालय पर क्षतिग्रस्त पाइपलाइन से व्यर्थ पानी बह रहा है, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी व कर्मचारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण आम जनता को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है।
भीलवाड़ा के बनेड़ा में हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा रैली निकाली गई। यहां घाटी के हनुमान मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन हुआ। इस दौरान शंकरलाल बारेगामा एंड पार्टी द्वारा भजनों की प्रस्तुति देकर के उपस्थित श्रोताओं को देर रात भक्ति रस से सराबोर कर दिया। पाली के सुमेरपुर में सहपाठी संघ ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर पुराड़ा गांव चौराहा पर संपर्क सड़क बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन भेजा। राजमार्ग पर यातायात प्रारंभ के समय से ही संपर्क सड़क बनवाने के लिए तथा यह एक्सीडेंट जोन समाप्त करने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों ने भी इस मोड़ पर संपर्क सड़क निर्माण की मांग की थी। बाड़मेर के कल्याणपुर में अटल सेवा केंद्र में उपखंड अधिकारी प्रभाती लाल जाट की अध्यक्षता में जनसुनवाई बैठक आयोजित हुई। जनसुनवाई में बिजली, पानी, गौचर भूमि अतिक्रमण आदि मुद्दे उठे। उपखंड अधिकारी ने नायब तहसीलदार सुरेंद्र गोयल को गौचर भूमि से अतिक्रमण हटाने व बिजली बिल व मीटर आदि सुधारने के निर्देश दिए। झुंझुनू के नवलगढ़ में खिरोड़ गांव में स्थित शेषमा की ढाणी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में 3 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को 108 की सहायता से नवलगढ़ CHC लाया गया, जहां से उन्हें सीकर रेफर कर दिया गया। इस संबंध में महिला ने मारपीट करने वालों के खिलाफ नवलगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। चूरू के सादुलपुर में साखू गांव में उप स्वास्थ्य केंद्रों पर सरकारी दवाइयां नहीं मिल रही, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में श्री हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर श्री हनुमंत महासंघ द्वारा नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई शोभा यात्रा का प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष उदयलाल आंजना ने पुष्प वर्षा कर स्वागत अभिनंदन किया। शोभा यात्रा के अभिनंदन के उपरांत प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष आंजना ने भगवान श्री हनुमान के चित्र पर माल्यार्पण कर उनका आशीष प्राप्त किया और क्षेत्र एवं प्रदेश की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना की। नागौर के डीडवाना में आगामी 14 अप्रैल को मंत्रालय कर्मचारी एकता मंच के तत्वाधान में मंत्रालय कर्मचारियों का एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन होगा। इस मौके पर सार्वजनिक निर्माण व परिवहन मंत्री यूनुस खान मुख्य अतिथि होंगे, जबकि अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष ग्यारसी देवी करेंगी। वहीं इस दौरान कर्मचारियों का स्नेह मिलन एवं आपसी चर्चा के कार्यक्रम होंगे। इसके बाद आयोजन समिति द्वारा सरकार के नाम मांग पत्र भी सौंपा जाएगा। हनुमानगढ़ के नोहर में भाजपा एसी मोर्चा की बैठक में 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 126वीं जयंती धूमधाम से मनाने पर विचार विमर्श किया गया। हनुमानगढ़ के नौहर में मेघवाल समाज सेवा समिति नौहर की बैठक 14 अप्रैल दोपहर 2 बजे मेघवाल धर्मशाला में होगी। बैठक में धर्मशाला निर्माण कार्यों की समीक्षा के अलावा प्रबंधक मंडल समिति के द्विवार्षिक चुनाव कराए जाएंगे। हनुमानगढ़ के संगरिया के गांव जंडवाला सिखान में खालसा पंथ के दिवस को समर्पित 3 दिवसीय गुरमत समागम मनाया गया। समागम में भाई हरजिंद्र सिंह खालसा आनंदपुर साहिब ने संगत को गुरु यश कीर्तन से निहाल किया। इस मौके पर अकाल एकेडमी चीमा साहिब के बच्चों ने धार्मिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। हनुमानगढ़ की पीली बंगा में विहिप द्वारा आयोजित धर्म प्रसार यात्रा के संयोजक गुलाब सिंह के नेतृत्व में निकाली जा रही धर्म जनजागरण यात्रा का प्रवेश हुआ। रामदेवरा से शुरू हुई यात्रा पंजाब हरियाणा होते हुए पीली बंगा पहुंची है। हनुमानगढ़ के पीली बंगा में जलदाय तकनीकी कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश बिश्नोई की अध्यक्षता में हुई बैठक में अन्य संघों से आए नए सदस्यों का जिला महामंत्री अंग्रेज सिंह ने अभिनंदन किया। इसके अलावा बैठक में नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन करके मणिराम शर्मा को अध्यक्ष, अनंत राम को कार्यकारी अध्यक्ष, योगराज डेलू प्रेमपुरा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। हनुमानगढ़ के संगरिया में युवा ग्रामीणों ने अध्यक्ष विक्रम सिंह कलेरी के नेतृत्व में पर्स के एजेंटों ग्राहकों ने कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं विक्रम कलेरी ने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों में भुगतान नहीं हुआ तो कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। हनुमानगढ़ के नोहर के पर्लिका गांव में पंजाब नेशनल बैंक के व्यवस्थापक के अभद्र व्यवहार से तंग आकर ग्रामीणों ने सीएम से शिकायत की है। ग्रामीणों का आरोप है कि अभद्र व्यवहार, दलाली और राजनीति करने की काफी लंबे समय से शिकायत के बाद लिखित में स्पष्ट तहसीलदार द्वारा उच्च अधिकारियों को जांच के आदेश दिए जाने पर भी आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। सीकर के लोसल खूड कस्बे में पेयजल संकट गहरा रहा है। वहीं टैंकरों से पानी मंगवाकर लोग प्यास बुझा रहे हैं। जोधपुर के भोपालगढ़ में महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। संस्थान के अध्यक्ष रामदीन देवड़ा ने बताया कि फूले जयंती रंगारंग कार्यक्रम खेलकूद प्रतियोगिता के साथ मनाई गई। कार्यक्रम प्रभारी हेम सिंह सोलंकी ने बताया कि फूले जयंती पर शिक्षा ही समाज का गौरव है विषय पर संगोष्ठी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रथम रहने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए गए।
वाहन रैली निकालकर शिक्षा के लिए आह्वान किया गया। वहीं दूसरी ओर एसएफआई कमेटी भोपालगढ़ ने मेघवाल समाज भवन में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। जोधपुर के बालेसर बावरली गांव के पास गोदारू की ढाणियों में स्कूल से घर जा रही बालिका के बोलेरो की टक्कर लगने से 10 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। आगोलाई चौकी प्रभारी माधो सिंह एवं बावरली के पूर्व सरपंच रामाराम ने बताया कि उर्मिला पुत्री उमाराम मेघवाल उम्र 10 वर्ष जो कि चौथी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोदारो की ढाणियों में पढ़ती है। सूचना मिलने पर लोग उसको बालेसर सीएचसी लेकर आए। पुलिस को सूचना देने पर आगोलाई पुलिस मौके पर पहुंची एवं बिना पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। टोंक के देवरी में पंचायती राज सशक्तिकरण को लेकर सरपंच आंदोलन पर है। 14 अप्रैल से शिविर शुरू होंगे। झालावाड़ के मनोहर थाना में सुनीता बाई को सरपंच पद की शपथ दिलाई गई। पूर्व सरपंच चुनाव को अदालत ने शून्य घोषित किया था और पूर्व सरपंच पांची बाई को फर्जी अंक तालिका के आधार पर हटाया गया था। अलवर के कठुमर में स्कूल का छात्र लापता हो गया, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने छात्र की खोज की, लेकिन छात्र नहीं मिला, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। वहीं आपको बता दें कि बालक सौरभ आदर्श कला विद्या मंदिर कक्षा 6 में अध्ययनरत है। पुलिस अब छात्र की तलाश कर रही है। झालावाड़ के झालरापाटन में 3 दिन से मदरसे से एक छात्र लापता है। छात्र मदरसे में कक्षा 3 में पढ़ता है। मामला मदरसा मदीनतुल उलूम का है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ के अकलेरा में नौकरी और शादी का झांसा देकर एक युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी युवती को झांसा देकर भोपाल ले गया और वहां से हैदराबाद ले गया। सभी जगह उसके साथ दुष्कर्म किया गया और वापस गांव छोड़ दिया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोंक के अलीगढ़ में पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विधायक राजेंद्र गुर्जर भी मौजूद रहे और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं प्रधान को लेकर कुछ सदस्य नाराज भी मिले, जिसके बाद विधायक ने समझाइश की और कहा कि विकास कार्य प्राथमिकता किए जा रहे हैं। सभा पंचायत में यारों के लिए ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।